हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी थर्ड पार्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक ऑनर्स का सिलेबस लेकर आई हूँ। ओके, आप लोग पार्ट वन में दो पेपर पढ़े होंगे, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, और पार्ट टू में थर्ड, फोर्थ और साथ में आप लोग सब्सिडरी पेपर भी पढ़े होंगे। लेकिन थर्ड पार्ट में जो होता है उसमें सब्सिडरी नहीं होता, इसमें फोर्थ पेपर ही होते हैं, पांचवा पेपर, छठा पेपर, सातवा एंड आठवा पेपर। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट मैथमेटिक्स बीएससी पार्ट थर्ड का मैथमेटिक्स ऑनर्स का सिलेबस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, फुल मार्क्स 100 होता है। ठीक है, इसे तीन ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए देखिए, ग्रुप बी देख लीजिए, इसमें डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ बाउंडेड फंक्शंस देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए ग्रुप सी, वाह बहुत कम ही पढ़ना है इसमें। अब देखिए पांचवा पेपर हो गया। अब छठा पेपर देखिए, ये भी 100 मार्क्स का होता है, इसे भी चलिए तीन ही ग्रुप में बांटा गया है। चलिए, आप लोग को बहुत कम कम ही पढ़ना है। देखिए ग्रुप ए, ग्रुप थ्योरी है, ये हो गया आपका रिंग्स। हमको लगता है इसमें रिटर्न लिखना होगा आप लोगों को। ये अलजेब्रा ग्रुप सी, ओके ठीक है। अब देखिए सातवां पेपर, ये भी 100 मार्क्स का है। ग्रुप ए स्टैटिक्स देखिए, सातवां का डायनेमिक्स, और ग्रुप बी देखिए, ओके, और ग्रुप सी, ओके। अब देखिए मैथमेटिक्स 8 पेपर में आप लोगों को चुनना पड़ेगा। इसमें जो होता है 4 पेपर होता है, अलग अलग 4 पेपर होते हैं, उसमें से आप लोग को एक चूज करना पड़ता है कि आप कौन सा लेंगे। ठीक है, एक होता है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी, एक होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, एक होता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी और थ्योरी ऑफ नंबर। ठीक है, तो मैं एक एक करके दिखाते जा रही हूँ आप लोगों को। ओके, देखिए ये 8 पेपर ही हैं, इसमें से ये नहीं कि 4 8 पेपर हैं, एक ही 8 पेपर, इसमें से आप लोगों को चूज करें कि एक ही पढ़ना है। ठीक है, चारों को नहीं पढ़ना है। देखिए ये भी 100 मार्क्स का होता है। देखिए बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना है 8 पेपर में। एक हो गया स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी। अब देखिए 8 पेपर का ही एक और है टॉपिक जिसमें से आप लोगों को चूज करना है, ये है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ओके, देखिए आप लोग को जिस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं आप लोग वो ले सकते हैं। ओके, देखिए अब तीसरा देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी, आप लोगों को चारों में से बस एक ही लेना है, ये घबराइए नहीं कि चारों का चारों पढ़ना है। अब देखिए एक है थ्योरी ऑफ नंबर, चलिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।